गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इको 02 द टॉपिक ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो एक हम ये क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसमें कुछ बताना है कि इसमें कौन जॉइंट वेंचर अकाउंट है या नहीं, या इसमें कैसे क्या होता है। वो चीज़ मैं सबसे पहले बता दूँ कि आखिर में जॉइंट वेंचर अकाउंट होता क्या है। तो चलते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन, ठीक है, विच हैज बीन एस्टैब्लिश फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एंड फॉर डिवाइडिंग अ प्रॉफिट लॉस बिफोर therefore in the aggregate ratio, ठीक है। एक joint venture जो एक account होता है जो कि temporary होता है और ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है and which is established for doing a specific transaction and dividing a profit or loss। इसको एक specific transaction के लिए use किया जाता है और ये जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने रेशियो के हिसाब से, जो भी एग्रीड रेशियो होता है उसके हिसाब से ये अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। एंड दिस पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एज सून ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इज ओवर। ये तब तक चलता है, तब तक एंड नहीं होता है जब तक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ओवर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए इतना जानना काफ़ी है एंड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आप चाहो तो मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में इसको लिख के डाल दूंगी इसके कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसके एग्जाम इसको एग्जाम में पूछा जाता है और शायद मैंने ये वीडियो करा रखा है टॉपिक, तो आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को चेक करो इको 02 का जो मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को दिया हुआ है, उस पर जाकर देखो। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ या मैं इसके डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक को जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आखिर क्वेश्चन में है क्या। एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज इसको सॉल्व करो आई कांट अंडरस्टैंड, सो आई विल डू। इस क्वेश्चन में है कि निखिल एंड अनिल एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू शेयर अ प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक अनिल है और एक निखिल है जो कि जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रिएट करता है टू शेयर अ प्रॉफिट लॉस इस, और ये प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, यानी निखिल को शायद 2% होगा और निखिल जो भी करेगा वो 1% अनिल से ज्यादा करेगा, ठीक है। तो उसके बाद है कि निखिल सप्लाइड गुड वर्थ 30,000 टू अनिल। निखिल जो है कि सप्लाइड और गुड्स के लिए 30,000 रुपया अनिल को डिपॉजिट करता है, ठीक है, एंड इंक्लूड द एक्सपेंसिव अमाउंटिंग टू 1,000 फॉर फ्लाइटिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद ही साथ ही साथ उसको 1,000 रुपया और देता है इंश्योरेंस और कुछ मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन दैट द गुड्स कॉस्टिंग 2,500 डैमेज एंड सम ऑफ 15,000 वॉज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। और अनिल को क्या होता है कि 2,500 जो पैसा डैमेजिंग के लिए देता है उसके साथ ही उसको रिसीव होता है 1,500 जो कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होता है रिसीव। एंड अनिल रिपोर्टेड टू 90% ऑफ रिमेनिंग गुड्स वेयर शोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% सेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। And to what to in the of the venture, I fired MS to balance stock lining unsold with the Anil, ठीक है। इस चीज को जितने भी fired MS होते हैं वो balance को stock करता है unsold with the Anil. The goods were not insured and Anil agreed to compensate. Nikhil by paying a cash 80% to aggregate the original cost of good and plus proportionate expensive and increasing by the Nikhil
And in addition to the joint venture share to profit, Anil was also entitled to commission of a 5% net of profit, ठीक है, of the joint venture after charging such as commission and selling expenses incurred by Anil rated 500. Anil had earlier limited to an advance of 5,000. Anil paid to the balance due to Nikhil by the bank of draft. इसमें क्या रहे कि सारे क्वेश्चंस हैं। पहले सबसे पहले क्या ऐसा, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या करना है ना कि इस क्वेश्चंस को पूरा यहाँ से एंड तक रीड करो, काफी कहता क्या है क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन तब रिक्वायर करो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है तो मैं बता रही हूँ। क्रेडिट क्या होता है ना कि जो भी हमारे बैंक या मेरा कोई कंपनी है उसमें जो भी मुझे मुनाफा होता है ना उस चीज को क्रेडिट कहते हैं, और डेबिट यानी जो कंपनी की तरफ से जो भी पैसा लग रहा है उसको डेबिट कहते हैं। सच है कि मैंने कोई कंपनी खोल रखा है या बैंक है, बैंक में अगर आप लोग पैसा डिपॉजिट करते हो तो उसको क्या कहता है कि डेबिट हुआ है। एंड जब आपके बैंक में पैसा जाता है या आप किसी के थ्रू आपके बैंक में पैसा किसी के थ्रू डलता है तो उसमें क्रेडिट लिखता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सा पैसा किसके अकाउंट में डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अकाउंट को क्रिएट करेंगे जो कि निखिल का अकाउंट होगा। तो आप इस तरीके से एग्जाम में क्रिएट करना टेबल और इसमें दिखाना जो भी सप्लायर जो भी जिस चीज के लिए जिस काम के लिए पैसा लगाया गया है निखिल के थ्रू उस चीज को लिखना, एंड उसको किस तरीके से फायदा हुआ है सेल में उसको भी लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि वो परचेस किया था सप्लाइड के लिए निखिल को पैसा दिया था यहाँ पे तो ये उसके खाते से जा रहा है इसलिए उसको 30,000 अमाउंट क्रेडिट करा है, ठीक है। तो सेकेंड है कि टू बैंक एक्सपेंसिव तो उसने 1,000 और दिया था, तो अनिल एक्सपेंसिव 500 उन्होंने और दे रखा था, तो अनिल कमीशन हुआ, उसका कमीशन होता है 30%। जैसे कि कितना उसका अनिल का रिपोर्टेड है 90% रिमेनिंग टू होल्ड, हाँ 30% उसका रिमेनिंग हुआ कमीशन। तो जैसे कि इसमें करने के बाद हमें पता चलता है कि इसका जो भी प्रॉफिट है ये इतना है, एंड इसके जो भी हम लोग का है उसको प्लस करके इतना सारा आता है, एंड उसको प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 35,948 रुपये का होता है। इसमें देख सकते हैं कि टू बैंक इंश्योरेंस के लिए उसे 1,500 रुपए मिलते हैं, फिर बाय अनिल उसे 32,000 मिलते हैं, 32,000, एंड बाय अनिल एग्रीड वैल्यू जो डैमेज ऑफ गुड तो उसको मिलते हैं 2,273, ठीक है। उसी तरह ये अनिल का भी है, आप लोग इसको सीरियसली देख लोगे तो आराम से समझ आ जाना है। बस इसमें क्रेडिट और डेबिट का खेल होता है और मेनली आप इस क्वेश्चन को जिस तरीके से समझते हो लेते हो उस चीज का होता है। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं था, तो बस इसमें क्रेडिट और डेबिट का खेल होता है। आप लोग अगर आप क्रेडिट वेडिट का वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।